हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सुष्मिता और आज हमारा जो गोवा का पहला दिन है बोल सकते हैं, क्योंकि कल तो उतना ज़्यादा खास हम घूमे नहीं। तो आज आए हैं हम अगोड़ा फोर्ट में। तो ये है एंट्रांस, आप देख सकते हैं ये गेट है और अंदर फोर्ट के लिए हमें जाना पड़ेगा। तो फिलहाल यहाँ पे टिकट का एक वो है, सिस्टम है, तो पहले हमें उधर जाना है, उस साइड डायरेक्शन है। तो देखते हैं कितना टिकट लेता है। फिलहाल पार्किंग के लिए तो स्कूटी हमने ले लिया था। कितना पड़ा था हमारा स्कूटी का चार्जेस? 50 रुपए का। हाँ, और स्कूटी हमने भाड़े पे लिया है। हाँ। वो 300 रुपए का पुराने स्कूटी का है और शायद नए स्कूटी 400. का 400 होगा। और इसके साथ मिलेगा एकदम कड़क धूप। बहुत तेज धूप है। तो चलिए अभी हम जाते हैं अगोड़ा फोर्ट में, एंट्री करते हैं और यहाँ पे टिकट काटने के लिए काउंटर, जो कि किला की तरह ही बनाने की कोशिश की है, अलग से कुछ रखा नहीं है, थोड़ा नेचुरल लगेगा इसलिए। ठीक है, देखते हैं कितना यहाँ पर टिकट कितने का है, बताते हैं आपको हम। अच्छा, 25। ओके, तो हमने टिकट ले लिया है जिसके अंदर 25 रुपए का टिकट है, जिसमें म्यूजियम फ्री का है और एंट्री फी फ्री है और 20 रुपए का टिकट है। ये देखिए, ये हमारे NRI भाई, 300 का झटका, तभी 300 का झटका लगा जहाँ पर, मतलब इंडिया रशिया भाई भाई है, लेकिन क्या करें, फिर भी हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन हम रशिया भाई भाई, तो भी लग गया झटका 300 का। हम लोग 25 में घुसेंगे। तो ये रहे सब, हम लोग सब चल रहे हैं। तो आगे विश्वास नहीं, ये 300 चलो इस कड़क की धूप में दिखाते हैं आपको अगोड़ा फोर्ट। यहाँ पर एंट्री लेने के बाद ही आप स्टार्टिंग में पूरा इन्फॉर्मेशन दिखाया जाएगा अगोड़ा फोर्ट के बारे में। फिर आप इस वीडियो पॉज करके आप सब देख लेना, यहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन इसमें दिखाएगा। अब यहाँ से एंट्री है, यहाँ पर टिकट देके हम अंदर जाएंगे फोर्ट में। और देखिए, पहले के टाइम पे ऐसा गैप दिया रहा था, ये पूरा पानी से भरा रहता था, पूरे फोर्ट के चारों तरफ ये पानी से भरा रहता था ताकि कोई यहाँ पर डायरेक्ट ना आ सके। फिलहाल हम एंट्री ले लेते हैं। ठीक है दादा, टिकट दे दिया उन्होंने, फाड़ के हमने वापस कर दिया। ओह, कम से कम यहाँ पर शांति है, बहुत ही धूप नहीं है। ये देखिए, इसके दीवार काफी चौड़े चौड़े हैं। यहाँ पर एंट्री लेने के बाद ही यहाँ पर देखना, बहुत सारे पेंटिंग्स वगैरह है जो ओल्ड गोवा का है, जैसे पहले क्या क्या था यहाँ पर। जैसे ये देखिए, अगस्टाइन चर्च बिफोर और ये आफ्टर। अभी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, और कुछ इसे ठीक करना है। अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये इंटर लाइट हाउस है, यहाँ से वो पूरा किला को देख सकते थे। तो गाइस, हमारा जो अगोड़ा फोर्ट का लोकेशन था वो तो कवर हो चुका। वहाँ पे जो भी दिखाना खास तो है नहीं फोर्ट में, और क्या देखने का जगह था, पूरा खाली खाली, तो वो जगह आप लोगों को दिखा दिया था हमने। और बहुत ज़्यादा धूप था, एकदम धूप से हालत ख़राब हो गया। अभी हम जो नेक्स्ट स्टॉपेज में आए हैं, ये है डॉल्फिन पॉइंट। यहाँ पे ये चार जगह आपको ये लोग कवर करेंगे, 45 मिनट का है और पैसा लेकर 300 एक एक जन का, 300 रुपये करके टिकट है। तो इसमें डॉल्फिन ट्रिप, डॉल्फिन अगर लक में है तो दिख जाएगा, अगोड़ा जेल दिखाएंगे और कुछ मिलियनियर के पैलेस टाइप के किए गए हैं आइलैंड में, उसको दिखाया जाएगा। और जो फोर्ट हमने दिखाया था ना ऊपर से, वो पानी से दिखाया जाएगा। तो पानी के अंदर ये बोटिंग 45 मिनट्स का होगा। चलिए हमारे साथ देखिए, हमारे साथ साथ आप लोग भी। ये देखिए, यहाँ पे इतने सारे बोट्स हैं, तो एक बोट में शायद 12 पीपल को बिठाएंगे, सिटिंग अरेंजमेंट उस हिसाब से ही होता है, उसके बाद छोड़ा जाए। ठीक है, तो आप लोग देखते रहिए। बोट पे आ चुके हैं, देखिए डॉल्फिन भी होगा। तो ये अभी हम निकल पड़े हैं, बहुत ही
शांत है यहाँ पर, बोट का माहौल काफी शांत है, सब लोग बिजी है अपना वीडियो फोटोग्राफी करने में और हम भी उसी काम में ही है। यहाँ सीधा जाते ही हमें पहले दिखेगा एवोडा फोर्ट। ओके गाइस, तो अब हम हैं बीच समुद्र के अंदर और यहाँ पे है फोर्ट। यहाँ पे तो फोर्ट था ना, फोर्ट अभी जा रहे हैं। तो समझ भी नहीं आ रहा क्योंकि सब बराबर लग रहा है, इतना पानी के अंदर बस वो सारे आइलैंड्स की तरह ही दिख रहे हैं। चलिए, ऐसे तो अच्छा लग रहा है, हवा काफी अच्छा, मजा आ रहा है। देखिए पूरा हर तरफ पानी ही पानी और यहाँ पे आइलैंड्स। वो रहा फोर्ट, हाँ उधर गए थे हम, वो लाइट हाउस भी दिख रहा है। हाँ तो एक टाइम पे मैं तो आई थी, वैसे काफी साल पहले की बात है, तब भी बड़ा मजा आया था। चलिए हम यहाँ पे मजा लेते हैं, आप लोग भी देखते रहिए। अभी ये हम बोट पे हैं, लोकेशन इतना अच्छा लग रहा है देखने में, समुद्र बहुत ही मस्त। ये है शायद मिलेनियर, सुने नहीं कुछ बोल से, ये मिलेनियर पैलेस है। वाह जिमी, अच्छा इसमें हसीना मान जाएगी मूवी शूट हुआ था। ये एवोडा फोर्ट है और ये जेल है, पहले इसका जो मेन था वो अंडरग्राउंड था, मतलब इसके नीचे है। और ये गाइज, अभी हम लोग खा पी के यहाँ पे आए हैं, वो फोर्ट देखा और डॉल्फिन पॉइंट के बारे में तो आपको बताया था, वो भी स्पीड बोट में अच्छा ही लगा, मज़ा तो आया। डॉल्फिन भी दिखा था हमें, लेकिन उस टाइम पे अगर वीडियो करते तो उतना वीडियो लिया तो है, देखते हैं अगर हो सके तो मैं दिखा दूँगी आपको। और दूसरा, अभी जो होटल में हम है ये पूरा रिसोर्ट टाइप का है, देखिए ये सामने इस तरह का है। इसमें दो तरह से आप ले सकते हैं जो बुकिंग सिस्टम है, या तो फिर इस बिल्डिंग में आप ले सकते हैं जैसे कि हमने लिया है रूम, अदरवाइज़ आप कॉटेज सिस्टम भी है उस साइड पे, वो भी बुक कर सकते हैं। वैसे तो हमने ऑनलाइन बुकिंग की थी, तो कॉटेज वाला हमें उस टाइम पर मिला नहीं था शायद, इस वजह से हमें बिल्डिंग में ही करना पड़ा था। तो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बड़ा है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत कुछ है। और ये है वो बिल्डिंग जिसके अंदर हमारा रूम भी है, और यहाँ पे एक तालाब टाइप का है, आप चाहो तो फिशिंग कर सकते हैं, फिशिंग नेट या वो सब ये लोग दे देंगे होटल की तरफ से। और सामने है स्विमिंग पूल जहाँ पे अभी सब लोग हम थोड़ा मजा करेंगे, आप लोगों को भी दिखाएंगे। वैसे तो अभी एकदम दोपहर, बहुत ज़्यादा यहाँ पे कड़कती धूप है, तो इस वजह से आज का दो पॉइंट ही घूमना हुआ, अभी फिर शाम को निकलेंगे, फिर कुछ कुछ दिखाएंगे आप लोगों को भी, ठीक है। तो ये पूल दिख रहा होगा आपको, सब फैमिली वगैरह ऑलरेडी यहाँ पे स्विमिंग कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा है। देखिए ये है व्यू, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग ऑलरेडी पूल में हैं, बाकी फैमिली इसके साथ, हम सब भी एक साथ, देखिए मज़ा चल रहा है, फुल मस्ती, और गाना भी धीरे धीरे बजा रहे हैं ये लोग। तो अभी फुल फन हो रहा है, ये देखिए ये पूरा व्यू है हमारे होटल का, सही है। चलिए हम थोड़ा एंजॉय करते हैं, बाद में बात होगा आप लोगों से। हाँ